बादल साहब कहते हैं कि जो सरकार आऊगी डिप्टी सीएम दो हो जनता भार चक लो उन्होंने इस करके जात पात की कास्ट की उन्होंने पॉलिटिक्स की अज भी यार यदा मतलब वो जात पात से फर्क रख रहे हैं अज भी कितने ना कितने उन्होंने ये लालच दे रहे हैं वो किसी को की मतलब सुखबीर सिंह बादल का ये गल करके भी ये टॉफियां बन रहे हैं कोई बच्चे ने भी हाँ हाँ मैं हिंदू फड़ाती हाँ मैं एससी फड़ाती हाँ मैं जट न फड़ाती ये मैं दूजे फड़ाती है जी डिप्टी सीएम की चेयर बनते फिर वो तो अपने पिता जी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने तो हजे उन्होंने डिप्टी तो अगे नहीं टपा दिता वो तो आपके पुत से भरोसा नहीं किया कदम उन्होंने वो हजे डिप्टी कितने बना देंगे किसी ने पंजाब कांग्रेस के सबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाउण दीआं चर्चावां दे चलदे कांग्रेसी मंत्रियों के कई बयान सामने आ रहे हैं उत्थे हुण लुधियाणा तो सांसद रमणीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाउण दे चलदे हाईकमान के फैसले ते अपनी प्रतिक्रिया दित्ती है उन्होंने कहा कि हाईकमान जो फैसला करेगी वह सिर मत्थे है इस मौके बिट्टू ने होर की कहा एक बार तुसीं लाइव सुन लवो सिद्धू साहब नूं लैके काफ़ी विचार थोड़े मतभेद रहे हैं काफ़ी तुसीं टिप्पणियां भी कीतियां ने फिर कितने ना कितने सुनने आ रहा है कि उन्होंने प्रधान बनाया जा रहा है की कहना चाहते देखो ये बड़ा लंबा मंथन जिहड़ा चलिया है क्योंकि पार्टी ने इलैक्शन च जाना हुंदा हर पार्टी ने जदों इलैक्शन आउंदियां तां हर पार्टी अपना सोच विचार करदी आ वी किस तरीके नाल किस प्लैनिंग नाल किहड़े नूं अगे लैके आउणा किहड़े नूं पिछे करना किहने कम कीता है किहड़ा कम कर सकदा है ये सब कुछ तकरीबन खड़गे साहब की जिहड़ी कमेटी बनी वो 200 लीडर तो उत्ते साडा जिहड़ा उन्हां नाल मंथन होया हर छोटे वड्डे लीडर हुण रिजल्ट जिहड़ा है वो कमेटी ने सोनिया गांधी जी नूं देता ते वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जाके थोनू पता सोनिया जी नूं मिला है साडे प्रधान जी जिहड़े सीपी ने उन्हां तों बाहर आके सानू भी उन्होंने यही गल कही भी जो फैसला कांग्रेस प्रेजिडेंट करेगी कांग्रेस हाई कमांड करेगी वो सारियां नूं 100% सिर मत्थे हो वो फैसला हरेक नूं मान्या हो गल तां इन्नी आ हुण किहड़ा फैसला करदे आ पार्टी चाहे वह किसे दा करन असीं उदों सिर झुका के उते फुल चढ़ावांगे ये तो हुण मीडिया च गल्लां उन्ना चिर जिन्ना चिर अनाउंसमेंट नहीं हुंदी कोई होनी हैगी आ एक नहीं होनी कईआं नौ दी अनाउंसमेंट होनी आ कंपेन कमेटियां बननियां पूरी कमेटी बननी आ वर्किंग प्रेजिडेंट लगने आ नवीं मिनिस्ट्री बननी आ बड़ा कुछ होना है तो इहदे विच कईआं ने बनना कईआं ने हटना ये कम तो चलता ही रहता पार्टी के इस करके कोई बाली बड़ी गल रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे थे टकसाली नेता मैं तो देखो एक वर्कर हाँ मैं तो वह गल जी थोड़े को कहना रहा उही मैं कमेटी को कह के आया मैं अज भी वह गल कहना पर वो किसी कल्ले बंदे ते थोड़ी लागू होंगी है मैं नहीं ये कहना भी किसी मैं तो सब दे लई कहना मैं जिन्हें भी पुराने कांग्रेसी ने जिन्हें भी मैं समझदा पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी आ जिन्होंने मेहनत की इस काम लई लहू बहाया अपना शहादत दित्तियां काम किया मैं तो उन्होंने पिछे लड़दा लड़ते रहना क्योंकि भाई साढ़े नाल तो उही ने जिहड़े पुराने चलते आ रहे हैं कांग्रेसी असी उन्होंने सिर ते आप हाँ तो इस करके उन्होंने गल करना कोई माड़ी गल थोड़ी आ मैं तो इस करके पुराणियां की गल करदा पुराना ही हैगा है सर 5 साल पहला नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी जाते हैं 4.5 साल कैबिनेट मंत्री बन के भी घर बैठे रहते हैं कम कोई नहीं करते फिर पंजाब प्रधान देखो मैं जिवें बार बार कहा भी हर बंदे ने हर गल जी हाईकमांड नूं दसती तो मीडिया तो रिपोर्टा भी जांदियां उह इन्हां नूं भी सुणदे आ सब ने गल कहती पर हुण सानूं इह हुकम आ इह भी मैं कहिंदा भी कोई गल जिहड़ी पार्टी दे लाइन तों बाहर नहीं करनी जिहड़ा करनी सी तुसीं कर लईआं असीं सुण लईआं हुण साडा अधिकार खेतर आ भी किहने की बनना असीं किहनूं की बनाउणा ते तुसीं हुण इह फैसला सुण के इलैक्शनां दे विच तैयारी करनी आ उह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बाहर आ के कहता भी असीं तां भाई हुण इलैक्शनां दी तैयारी है जो फैसला करनगे वो सिर मत्थे सर जे अगर सरकार आपां नहीं बना पाने हैं तो इसका खमियाजा पार्टी प्रधान ते जाऊगी नहीं सरकार क्यों नहीं बनेगी अगर किसी आपां नहीं नहीं हजे तो पार्टी प्रधान अनाउंस होना है फिर इलैक्शन कंपेन कमेटी चेयरमैन अनाउंस होना है फिर बॉडी अनाउंस होनी है बड़ा कुछ है हजे तो फिर सीएम चेयर अनाउंस होगा एन अखीरले महीने इलैक्शन दे बड़ा कुछ होना है कहने का मतलब कि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम चेयर नहीं होंगे नहीं ये कौन कह रहा कोई कितों किसी ने कही यह गल जां सुनी कितों गल मेरे नोटिस तक कोई यह जी गल नहीं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मुख्यमंत्री ने 22 तक तो उन्होंने रहन बाई थले सरकार चल रही है बड़ी गल तो यह है नहीं
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਜੇ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵੋਟ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਫਰਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਆ ਮੈਂ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ? ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪੈ ਗਈ? ਸਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐੱਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐੱਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਵਾਉਣ। ਉਹ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।